हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैंने पिछला वीडियो जो है अपलोड किया हुआ था कि कुवैत के लिए मतलब कि गमका मेडिकल जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें जो है चेक किया जाता है, लाइक मतलब कि क्या क्या चीज़ें और क्या क्या स्टेप होता है, मतलब कैसे कैसे जो है होता है, तो मैंने वो वीडियो में जो है सारा कुछ बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं और आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जो उस वीडियो में जो है बताया हुआ था नॉर्मली कि उसमें जो है कैसे कैसे मेडिकल होता है, आँख कैसे चेक करते हैं और गमका मेडिकल के लिए क्या क्या आपको जो है स्टेप फॉलो करने चाहिए, मैंने सारा कुछ उसमें बताया हुआ। तो दोस्तों उस वीडियो पर इतने सारे कमेंट आए भाई, इतने सारे कमेंट आए हैं कि कुछ भाई जो है ये भी बोल रहे हैं कि भाई मेरा हाथ जो है टूटा हुआ है तो क्या मैं कुवैत आ सकता हूँ, मेरा पैर जो है टूटा हुआ था अभी फ़िलहाल सही है तो क्या मैं आ सकता हूँ, और कुछ भाइयों ने तो ये भी कमेंट किया था कि भाई अगर बवासीर है तो क्या मतलब मैं आ सकता हूँ। तो दोस्तों मैं मतलब कि इस तरह की बहुत सारी कमेंट है, मुझे याद नहीं आ रहा, आप वीडियो में उस वीडियो में जाके आप देख लेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को जो है पूरा आप देखिए शुरू से लेकर एंड तक, मैं आपको सारी डाउट जो है इस वीडियो में जो है बताने वाला हूँ और सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे किस तरह के लोग मतलब आ सकते हैं और किस तरह के लोगों का मेडिकल पास होगा और किस तरह के लोगों का नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूँ कि जो भी भाई हमारे ये सोच रहे हैं कि यार मतलब मेरा कुवैत का वीज़ा लग गया है और गमका मेडिकल होने वाला है तो मतलब मेरा हाथ टूटा हुआ है तो मेरा पास होगा नहीं होगा, या मेरा पैर टूटा था अभी सही है तो मेरा होगा या नहीं होगा, तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो कुवैत के लिए गमका मेडिकल होता है वो उसमें सबसे पहले क्या होता है, आपका चेस्ट होता है यानी आपका छाती का एक्सरे होता है। तो मेन शरीर का जो हिस्सा है वो हमारे छाती से लेके पेट के अंदर तक का होता है, तो आपका जो छाती का जो है एक्सरे होता है तो इसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें जो है उनको दिख जाती है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये बिल्कुल भी डरिए मत कि अगर आपका हाथ टूटा हुआ था तो मतलब कि अभी सही हो तो आपका जो है मेडिकल पास नहीं होगा, ना तो पैर का होता है ना ही तो आपका जो है हाथ का होता है, सिर्फ आपका एक्सरे होता है सीने का यानी चेस्ट का एक्सरे होता है और दूसरा जो होता है वो आँख का भी होता है। तो कुछ एक भाई ने हमारे कमेंट किया हुआ था कि भाई अगर एक आँख में थोड़ा और है, एक लेडीज़ भी कोई महिला थी उन्होंने भी कमेंट किया था कि अगर एक आई में प्रॉब्लम हो लेफ्ट या राइट में तो क्या मतलब मैं आ सकता हूँ। तो दोस्तों मैं मतलब कि बता दूं आपको, अगर आपके आई में प्रॉब्लम है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर आपको आपके हिसाब से मेडिकल करेंगे, यानी कि आपका वीज़ा किस टाइप का है, मतलब आप घर खाते में मतलब हैं या कंपनी लाइन में है, या मान लीजिए आपका जो है किसी हॉस्पिटल में मतलब कि हॉस्पिटल का नर्स का कोई जॉब है, तो आपका जैसे वीज़ा यहाँ पे कोई 18 नंबर वीज़ा चलता है, 20 नंबर वीज़ा चलता है, 22 नंबर वीज़ा चलता है, तो यहाँ पे दोस्तों वीज़ा के हिसाब से आपको जो है मेडिकल जो है वो लोग करते हैं। तो मान लीजिए अगर आप आँख का जो बात उन्होंने कहा है तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया उन्होंने, तो आँख का जो दोस्तों मैं बता दूँ कि आँख का जैसे मान लीजिए आप अगर घर खाते में आ रहे हैं काम करने के लिए, लाइक जैसे जो सफाई उफाई करने के लिए आते हैं या घर खाते में थोड़ा नॉर्मल काम के लिए आते हैं, तो मुझे लगता है कि आँख वाले उसमें सेक्शन में मतलब थोड़ा हल्का फुल्का अगर नहीं भी दिखाई देगा या थोड़ा एक आँख हल्का डैमेज रहेगा तो आप पास हो जाएंगे, इसके लिए बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि अगर आप कंपनी लाइन में जा रहे हैं और या ड्राइवरी में आप अगर जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपका आँख जाँच होगा तो उनको जैसे आप जिस जॉब में जा रहे हैं अगर उनको लगेगा कि भाई ये जॉब में आँखों की रोशनी बहुत मतलब कि ज़रूरी है तो हो सकता है कि मतलब कि वो ना भी पास करे, लेकिन सब मिलाकर डॉक्टर के ऊपर है, डॉक्टर पास भी कर सकता है और नहीं भी पास कर सकता है। लेकिन एक भाई ने हमारे ये भी कमेंट किया हुआ था कि यार मतलब कि इंडिया में हम जो है पैसे देके अपना जो है मेडिकल पास करा सकते हैं डॉक्टर से, तो भाइयों मैं बता दूँ ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए इंडिया में आप पैसा देके अपना मेडिकल पास करा लेंगे उसी के साथ साथ आपका यहाँ आएंगे आप कुवैत में तो कुवैत में भी आपका मेडिकल होगा और सेम प्रोसेस वहाँ पे होगा। हालांकि जो कुवैत के लिए गमका मेडिकल होता है इंडिया में जो है ओपन करके भी मतलब करते हैं और ये फर्स्ट टाइम ही होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी आया था तो मेरा भी सब कुछ हुआ था। तो ओपन का मतलब कि मतलब आप ये बिल्कुल मतलब ऐसा मत सोचिए कि नंगा कर देंगे, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि यार मतलब कुवैत के लिए गमका मेडिकल जो होता है उसमें नंगा करते हैं ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी किसी को नंगा करते हैं जिनको उनको लगता है कि भाई हाँ इसके पास कोई प्रॉब्लम होगी तो उनको नंगा करके ओपन करके मेडिकल करते हैं। और बवासीर का जहां तक बात है, जो लोग बोलते हैं कि भाई बवासीर है तो मतलब ये मान के चलिए कि आप जो है
बवासीर अगर आपको है तो आप दवा पहले ही कंटिन्यू चला लीजिए, क्योंकि मेडिकल के टाइम पे आपका नॉर्मल होना चाहिए। अगर नॉर्मल नहीं रहेगा तो वो जांच करेंगे और उनको शक लगेगा तो आपको ओपन करके भी मतलब वो जांच करेंगे, और अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो आपको मतलब दिक्कत हो सकता है, मतलब कि अनफिट कर देंगे वो। तो मतलब कि बवासीर वाले जितने भी भाई हैं, मैं उनसे यही चीज़ कहूँगा कि भाई अगर आपका कुवैत का वीज़ा लग गया है, अगर आप गमका मेडिकल जो है कराने जा रहे हैं, तो अगर ऐसी आपको कोई प्रॉब्लम है तो पहले ही डॉक्टर को बता दीजिए, क्योंकि अगर आपका नॉर्मल मेडिकल होएगा, नॉर्मल मेडिकल में आप फिट रहेंगे, अगर ये चीज़ें आप बताएंगे नहीं तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगा और आपका मेडिकल जो है अनफिट हो जाएगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और एक चीज़ और बता दूँ, कुछ हमारे भाई ये भी बोले थे कि यार मतलब कि गमका मेडिकल पहले वीज़ा आने के पहले होता है या वीज़ा आने के बाद होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता दूँ कि गमका मेडिकल जो होता है वो वीज़ा के साथ में ही होता है, यानी जो आपका एंट्री वीज़ा होता है वो वीज़ा के साथ में ही, मतलब जिस हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट आपका बुक किया जाता है, आप कुवैत का वीज़ा लेके जाएंगे तभी उसके साथ में ही आपका गमका मेडिकल होगा, और आपका गमका मेडिकल जब फिट हो जाएगा तो रिपोर्ट और वीज़ा दोनों साथ में दे देंगे, आप ऑफिस में आके जमा करेंगे, उसके बाद लास्ट स्टेप है पीसीसी करा के उसके बाद आपको निकलना रहता है। तो दोस्तों सब मिला के मैं बता दूं ये कि नॉर्मल मेडिकल जो होता है, नॉर्मल मेडिकल में ये मान के चलिए आपका ब्लड टेस्ट होगा, पेशाब जाँच होगा और सीने का एक एक्सरे होगा। तो ठीक इसी तरह से गमका मेडिकल में भी होता है, आप मतलब घबराइए मत ऐसा कि मेरा पास होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यार जो लोग बिल्कुल नए हैं जिनका फर्स्ट टाइम वीज़ा लगता है तो उनको काफ़ी ये सब टेंशन रहता है, क्योंकि मुझे भी ऐसा हुआ था, मतलब कि मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल एकदम माइंड फ्रेश करके मतलब जाइए मेडिकल कराने के लिए, और कोशिश कीजिए कि मतलब खाली पेट जो है मेडिकल कराइएगा, क्योंकि कुछ खाइए नहीं ऐसा, बिल्कुल एकदम सुबह सुबह समझ लीजिए कि हल्का फुल्का मतलब कि चाय अगर पी रहे हैं तो चाय पी लीजिए, खाना बिल्कुल भी मत खाइए, और उसके बाद में कोशिश कीजिए नारियल पानी पीने की। सुबह सुबह मान लीजिए आप एक या दो नारियल पानी पी लेंगे तो आपका मेडिकल एकदम बिल्कुल भी मतलब कि फ्रेश आएगा, कोई टेंशन नहीं होगा आपका। और बाकी जो भी मेडिकल का जो ये इशू रहता है, जैसे बहुत से लोग यही बोल रहे थे कि हाथ का या पैर का या आँख का कोई ऐसा है, दोस्तों कुवैत में ऐसे ऐसे लोग मतलब आए हुए हैं जैसा कि जिनको मैं देखा हूँ, तो कुछ भाई ऐसे भी हैं जो हाथ से थोड़े हल्के फुल्के मतलब विकलांग टाइप के हैं, और कुछ पैर से भी मतलब विकलांग है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि मतलब मेरा थोड़ा पैर में जो है हल्का चोट मोट है, या मैं थोड़ा भचक के चल रहा हूँ, या मतलब कि मुझे हाथ में थोड़ा प्रॉब्लम, मेरा हाथ बराबर नहीं मतलब ये हो रहा है तो मतलब मैं नहीं जा सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर काम करने के लिए एकदम फिट हैं, मतलब सब कुछ है आपका, बस फील्ड ये होनी चाहिए जिनके पैर टूटे हुए हैं या जिनके हाथ टूटे हुए हैं वो किस फील्ड में जा रहे हैं, ज़्यादा लोडर वाले काम में नहीं जा रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कंपनी में खुद कुछ आदमी ऐसे भी हैं जो फैब्रिकेटर हैं, और कुछ वेल्डर भी हैं जिनका ऑलरेडी हाथ टूटा हुआ है और पैर जो है टूटा हुआ था सही है, वो काम कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत कि अगर आपका थोड़ा पैर में कुछ प्रॉब्लम है, थोड़े हाथ में कुछ प्रॉब्लम है तो आप नहीं आ सकते, ऐसा कुछ भी बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। आप बिंदास आ सकते हैं, आपका मेडिकल एकदम पास होगा, गारंटी है। तो मैंने ऑलरेडी जो है बता दिया है, इसी तरह से आप जो है स्टेप को जो है फॉलो करेंगे तो आपके साथ कुछ भी नहीं होगा और आप बिल्कुल एकदम फिट हो जाएंगे, और आपका मेडिकल फिट होने के बाद से बस पीसीसी हो जाएगा और सीधा आप अपने निकल लीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहेगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना भी चाहते हैं दोस्तों तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम आईडी मेरी ये है, आपको सामने दिखाई दे रही है, इंस्टाग्राम पर भी मैं ऑलरेडी एक्टिव रहता हूँ, जो भी चीज़ आप पूछते हैं तो मैं जवाब देता हूँ, और मैं अपने सारे कमेंट के जवाब और रिप्लाई दोस्तों आप लोगों को मतलब दे देता हूँ, क्योंकि मतलब मैं चाहता हूँ यार कि जितने भी हमारे भाई हैं, अगर मान लीजिए उनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी चीज़ में, तो मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, और मैं अपने स्तर से भाई पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को पूरी चीज़ें जो है बता सकूँ। तो चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।